बाबा मम्मा फिर से क्यों चली गई? बेटे उन्हें घर पर कुछ काम था। और वो कब वापस आएंगी? जल्द आ जाएंगे। मैंने उनको देखा था, वो रो रही थी। क्यों? पता नहीं, आप दोनों की लड़ाई हुई है? नहीं बेटे, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस थोड़ा थका हुआ था। मुझे उस मम्मा बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, मुझे उनसे नहीं मिलना। मिलने में क्या हर्ज है, अब उनसे मिल लिया करो, मना उनको लगेगा कि मैंने मना किया। Whatever. Whatever. आप परेशान ना हो, पहले भी मसले। सेबू कहाँ चली गई थी तुम? खाला के घर गई थी। मगर क्यों? आरएस की खबर लेने गई थी, खूब सुना के आई। वो क्या समझ रहा था वो कुछ भी करता रहेगा, मैं चुपचाप तमाशा देखती रहूंगी, उसे कोई रोक टोक करने वाला नहीं होगा। ये आरएस भी, उसने एतराफ किया है ढिटाई से। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि इस खानदान से दूर रहो, कुछ भी कर लो, लेकिन आरएस है तो तुम्हारी खाला का बेटा, नरम गोशा उसी के लिए रहेगा, हमेशा उसी का साथ देगी। तो इसलिए अरेज अपनी मनमानी कर रहा है। खाला ने उसे बहुत डांटा है और वो घर से चला गया। बहुत अच्छा है कि उसकी बीवी को भी उसी करतूतों के बारे में पता चले, वो भी उसकी खबर लेगी। अच्छा देबू, मेरे बात सुनो, किसी किस्म की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, है? अपने कमरे में जाओ, जाके आराम करो, पुरसकून रहो, वक्त के साथ साथ हालात भी ठीक हो जाएंगे। मैं शाहनवाज से खुद मिलूंगा, उससे बात करूंगा, बहुत समझदार आदमी है, हर फैसला बहुत सोच समझ के करता है, ठीक है ना? चलो जाओ, शाबाश। कहां तक संभालूं इस मसले को मैं? आप शाहनवाज से बात करें, लेकिन प्लीज लड़ाई मत करें उनके साथ। लड़ाई तो करने की पोजीशन में नहीं, नहीं तो हार माननी पड़ रही मुझे सिर्फ जेबू की वजह से।